Okay, see all of you, listen here. So now we are starting with the 8.3 mechanism of respiration, in that external respiration second point, which is also called as exchange of gases at the alveolar layer. यानी कि lungs के अंदर जो alveoli है, यहाँ पर lungs के अंदर जो air आया है वो blood के अंदर, यानी कि lungs के alveoli के ऊपर जो pulmonary artery and पल्मोनरी वेन का सप्लाई होता, उसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है फ्रेश एयर के अंदर वो वहां पे मिक्स होगा, और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो लंग्स के एल्वोली के अंदर ट्रांसफर होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद दैट थ्योरी पॉइंट. एन एल्वोलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्वोलस? एल्वोला यानी पूरा का पूरा बीगल स्ट्रक्चर, बहुत सारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स के एक जगह आएंगे तो वो एल्वोला है, और सिंगल अगर लेंगे तो एल्वोलस. नाउ यू कैन सी दैट ये एक सिंगल एल्वोलस है, और उसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरी का सप्लाई है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन का. नाउ यू कैन सी दैट एन एल्वोलस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंगल स्कमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. अभी अगर 11th का अगर आपको याद होगा, सो 11th में हमने स्टडी किया था दैट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्कमस एपिथेलियम सेल कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम सेल जो लेयर पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम. अगर हम लोग ये जो एल्वोलस है, देखो इनर साइड में ये जो एल्वोलस है, ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट एल्वोलस क्या है. ओके, एल्वोलस क्या है वो सभी को पता है. मैं एक बार फिर से आपको वो वाला डायग्राम, बिगर वाला दिखा देता हूँ, और फिर इस पार्ट पे आता हूँ. सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर, हम लोग देखो ये जो टर्मिनल ब्रोंका है ये एयर को इस एल्वोलस में लाएगा. ये बहुत सारे है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्वोला. अब इसी में से हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करके पूरा जो हो रहा है वो वहां पे स्टडी कर. ओके, सो हम लोग सिंगल एल्वोलस का मीनिंग अलग है, वो एक सिंगल पार्ट आ जाए. So now you can see that ये जो internal part है, that is single alveolus. Now you can see that the outer side of alveolus consists of, that is simple squamous epithelium. इसके ऊपर किसका layer है? Squamous epithelium का layering है. Plus ये जो squamous epithelium है ये green color के basement membrane के ऊपर है. As well as when you see the capillary. अगर ये कैपिलरी जो है एल्वोलस के ऊपर, इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे तो कैपिलरी के ऊपर भी आपको एक सेल का लेयर मिलेगा, एंड दिस लेयर इज आल्सो अ स्कमस एपिथेलियम. सो वही पॉइंट दिया है, इट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. मतलब ये जो एल्वोलस का स्कमस एपिथेलियम है इसके ऊपर किसका लेयर है? ये कैपिलरी. कौन सी कैपिलरी? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी और वेन वाली जो है उनके कैपिलरी का structure है. Now this capillary, the capillary wall is also made up of simple squamous epithelium resting on a basement membrane, which you can see in this diagram. अगर हम लोग ये capillary का layer लेंगे तो capillary के layer के ऊपर भी क्या है? Single layer of squamous epithelium. Now both of these squamous epithelium layer, किसका किसका? So ये जो हमारा हमने देखा alveolus का skin, ये है simple squamous epithelium, as well as ये वाला है capillary का. दोनों के squamous epithelium एक जगह आके एक wall का formation करेंगे. This is called as a respiratory membrane. Okay, so वही point यहाँ पे दिया. You can see in this diagram. This is called as a respiratory membrane. Respiratory membrane यानी क्या? तो ये alveolus के ऊपर का squamous epithelium और ये कैपिलरी के ऊपर का स्कमस एपिथेलियम दोनों एक जगह आने के बाद ये जो वॉल का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बिकॉज़ यहां से क्या होगा? एक्सचेंज होगा गैस. सो वही पॉइंट दिया, बोथ द लेयर हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर थिन वॉलेड. यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो वॉल क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए. नाउ टूगेदर दे मेकअप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. दोनों भी वॉल एक जगह आने के बाद रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा. दो विच गैसियस एक्सचेंज अकर इन बिटवीन द एल्वोलर एयर एंड ब्लड. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको ये डायग्राम में पूरा दिख रहा होगा. देखो ये जो लंग्स के अंदर
एल्वोलस के अंदर जो फ्रेश एयर आ रहा है, उस फ्रेश एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ये ब्लड के आरबीसी में देखो मिक्स हो रहा है। जो यहाँ पर एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में मिक्स हो रहा है, और ब्लड के अंदर का जो CO2 है ये एल्वोली के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। सो इस रीजन में क्या होगा, तो इस रीजन में गैस का ट्रांसफर होगा, ओके, मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ वी विल गो विद द फर्दर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब कि कहीं पर अगर किसी थिंग का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वहां से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने पानी, वाटर अगर कहीं पर गिराया तो वो कहाँ पे जाएगा, तो जहां पर वाटर नहीं है। सो वही पॉइंट है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल प्रेशर अंटिल द पार्शियल प्रेशर इन द टू रीजन रीचेस इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल या तो CO2 का लेवल, जो गैस का लेवल किसी ले, जैसे कि अगर मैं ले रहा हूँ कि ये जो कैपिलरी है ये कहाँ से आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है हमारे बॉडी के पास से, तो बॉडी के अंदर जो CO2 वाला ब्लड है उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और जो फ्रेश एयर है उसमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो। सो इसमें क्या होगा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन एक चीज का हाई है वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये फिजिक्स का रूल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर क्या होगा, एल्वोलस के रीजन में ट्रांसफर होगा, ओके, गैस का ट्रांसफर होगा, मतलब जो भी गैस आ रहा है, एयर आ रहा है, उसमें जो भी कंटेंट रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अल्टीमेटली जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई से लो की तरफ जाएगा। सो अब ये प्रेशर मेन है, कहीं पर प्रेशर हाई होना चाहिए और दूसरे जगह प्रेशर लो होना चाहिए, तब जाके तो क्या होगा, इनका मूवमेंट होगा गैसेस एक्सचेंज। सो देखो ये प्रेशर अब यहाँ पे क्या दिया, नाउ वी विल सी द प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अ ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 मिलीग्राम Hg, ओके, व्हाइल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलर साक, एल्वोलर साक मतलब जो एटमॉस्फेयर में से एयर लंग्स के एल्वोलर साक में आ रहा है उसका प्रेशर कितना है, देखो 40। नाउ कैन सी दैट, ओके, ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी इनटू द एल्वोलस। ओके, हो क्या रहा है देखो यहाँ पर, इसमें जो पल्मोनरी कैपिलरी उन्होंने दिया, अब ये ब्लड कहां से ला रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी हमारे बॉडी में से ब्लड ला। So, देखो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होने के बाद CO2 वाला जो ब्लड है वो प्रेजेंट रहता है। सो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो ब्लड यहाँ पर आएगा लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगा, ओके, कैपिलरी लेके आएगा, उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और उसका प्रेशर कितना दिया है इन्होंने, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये देखो ये लंग्स है और ये हार्ट में से ब्लड आ रहा है। देखो हार्ट में से ब्लड आता है पर वापस हार्ट में जाता है। सो बॉडी के अंदर जो यूटिलाइज होने वाला ब्लड है तो वो जो ब्लड आ रहा है उसके पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर यू कैन सी दैट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर ऑफ CO2 इन पल्मोनरी आर्टरी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो यूटिलाइज हुआ जो ब्लड है उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 45, और जो फ्रेश एयर लंग्स में आ रहा है मतलब एटमोस्फियर के अंदर जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो जब एयर हमारे लंग्स में जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखो एल्वोली के अंदर कितना दिया है, 40 दिया है। सो कहाँ भी प्रेशर हाई है, ब्लड के अंदर जो CO2 है उसका प्रेशर हाई है और एल्वोली यानी कि एटमोस्फेयर में से जो एयर आया है उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 40 है, तो अब कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा एयर का, सो पल्मोनरी कैपिलरी में से मतलब कि ये जो कैपिलरी है यहाँ से ब्लड कहाँ, यहाँ से CO2 कहाँ पर जाएगा, एल्वोली के अंदर जाएगा। सो ऑल ऑफ यू क्लियर कैसे जा रहा है, सो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और एल्वोली के अंदर जो एल्वोलस के अंदर जो एयर आया है उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है। सो अल्टीमेटली ये प्रेशर इक्विलिब्रियम मतलब जब तक सिमिलर नहीं हो रहा है तब तक
ब्लड में से CO2 एल्वोलस के अंदर जाएगा. सो वही पॉइंट ये स्लाइड में उन्होंने दिया. नाउ अब ये हो गया CO2 का फंक्शन, मतलब ब्लड के अंदर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन CO2 था वो लंग्स के अंदर चले गया. ओके नेक्स्ट पार्ट, अब O2 का क्या होगा? अब देखो हमारा जो ब्लड में O2 जाता है वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है. कहाँ पे यूटिलाइज होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? O2 हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है और उससे क्या बनता है? CO2. आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ 6 CO2 इट विल फॉर्म अ 6 CO2 + 12 H2O. मतलब देखो O2 यूटिलाइज हो गया और CO2 बन गया, इसीलिए ब्लड के अंदर CO2 का लेवल हाई होता है और एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल लो होता है. सो लंग्स के अंदर जब ये ब्लड जाता है एल्वोलस में, तब CO2 ब्लड में से कहां पे चले जाएगा? एल्वोलस में. अब देखो अब हमारे वाले ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो हाई था, बट ऑक्सीजन तो बॉडी में यूटिलाइज हो गया. मतलब जो पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है और जो फ्रेश एयर लंग्स के अंदर आया है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है. वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. देखो यहाँ पे थोड़ा 105 दिया है और हमारे बुक में 104 है. ओके सो वी कैन सी दैट. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40. जो हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइज होने के बाद जो ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी से इस एल्वोलस के ऊपर आया है उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 40 और जो एल्वोलस के अंदर एटमॉस्फेयर में से फ्रेश एयर आया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 104 है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ पे आया है? एल्वोलस के अंदर. तो यहाँ उल्टा होगा, एल्वोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है यह अब ब्लड में मिक्स होगा. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. सो यहाँ पे देखो ये जो ब्लड है ब्लड के अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन 40 है और एल्वोलस के अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन 104 है. यहाँ पे 5 दिया है गलती से थोड़ा. ओके सो चलेगा, उतना थोड़ा होता है. सो अब क्या होगा? जब तक ये प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होगा. So, अब देखो क्या हो गया, यही ब्लड फिर आगे जाएगा तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना हो गया, 105 हो गया, बढ़ गया. और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो ब्लड के अंदर अब क्या हो गया, कम हो गया. सो वही पॉइंट दिया है, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वोली टू द कैपिलरी. सो देखो क्या हुआ यहाँ पर, इन इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइम पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन हाई है ब्लड में वो एल्वोली में जाएगा और एल्वोली के अंदर जो ऑक्सीजन हाई है वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा. दिस इज सिंपली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दैट एक्सटर्नल.